राधे बीच थक रहा एक नदी के किनारे पे गए। मन के बीच सोच रहा है कि थोड़ी देर रुक के दो घुट पानी दे अपने मुख दे विच पा दो। एक धोबी ने देखा कि कोई सिख है थका हारा है, ते उस धोबी ने आके कहा कि हे सिखा कितों आया है भाई, कितने जाना? ते भाई जेता बोलिया मैं आनंदपुर साहब जाना, आनंदपुर साहब का राह कहना है। वो तो भी कहने लग्या गुरसिखा बड़ा थकिया है, भुखा भी है, मेरा घर ही पास है, उत्थे चल के कुछ नगर प्रसादा छक ले, नाले कुछ कढ़िया आराम कर ले फिर चला जाए। सच जानियो वो तो भी एक हिंदू सी, ओनू पता चलिया सी कि जनेऊ दी जिम्मेवारी गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने लेती। रोज गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के चरणों के विच अरदास करता है कि हे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, जदों भी इस पिंड विच आओ मैनू जरूर दर्शन दे। भाई जेते ने यह गल दसी नहीं, घर के विच गया है, घरवाली नूं आवाज मारी पागवान ने कोई गुरु का सिख आया है, बड़ा भुखा है, जल्दी कर लंगर प्रसादा तैयार कर। सच जानियो घर वाले ने लंगर प्रसादा तैयार किया, मंजा बिछाया, सोनी चादर बिछाई है, ते तो भी आप पानी भरन वास्ते बाहर गया है। वह गुरसिख ने सतगुरु का शीश उस पट्टी ते रखिया, आप थले हेठ गया। जदों तो भी आया उन्हें देखिया कि गुरसिख वास्ते मैं चादर बिछाई, मंजा बिछाया, गुरसिख आप जमीन ते बैठा है, एक कपड़े की पंड मंजे ते रख के ते आप नीचे बैठा है। ते धोबी ने पुछना किया, भाई गुरसिखा ये मंजा तेरे वास्ते बिठाया है, ते तू बैठ, कपड़े की पंड आप उपर रख के आप थले बैठा है। सच जानियो भाई जेते उस धोबी नूं कहा, भाई तू चाहुंदा सी कि तेरे घर दे वल गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज आण तैनूं दर्शन देण। सच जानियो जदों तू चादर ते खोल के दिखाया कि भाई ये ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज, सच जानियो टोपी की अखा के हंजू आ गए। टोपी जोर जोर की आवाज मार के घर वाले नूं बुलांदा है, पागवान ने शहीदी आ जिहदे चरणां दे विच आपां रोज अरदास करदे सी ना, इह ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज। सच जाणियो चादर दीआं लीरां नूं फाड़ के चौबर साहिब बनाया, जिन्ना चिर भाई जेता जी आराम कर रहे ने उन्ना चिर उस लीरां दे जबर साहिब नूं सतगुरु दे शीश ते घुमांदे ने, ते नाले अखां हंजू दे नाल भिगियां होईआं। भाई जेता अद्धी रात होई सतगुरु दे शीश नूं लैंदा, ते भाई जेता जी आनंदपुर साहिब पहुंचे, उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, छोटी जी अवस्था है 9 साल की उम्र की, अपने पिता जी के शीश नूं अपने हाथों के विच लेता, ते उत्थे संस्कार किया गया। सच जाणियो जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज का नाम लिता ना, तेग बहादुर की चलत पयो जग को सोग, है सब जग पयो जय जय जय। सुन लो अज उस धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज के शहीदी प्रोग्राम मना रहे हैं। आओ सारे कृपा करो गुरु के पावन पवित्र शब्द चले सारे
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਆਓ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ।